हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ये यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, सोया चंद बड़ी की पकौड़ा। कोई कोई इसे सोयाबीन बड़ी भी कहता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। जैसे हम इसको मैरिनेट करेंगे वो भी देखिए, कैसे फ्राई करेंगे वो भी देखिए। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सोया चंद की पकौड़ा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी सोया चंद, यानी कि इसे कोई कोई सोयाबीन बड़ी भी बोलता है। ये वही सोयाबीन बड़ी है जिससे हम सब्जी बनाते हैं, सोयाबीन कबाब बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है। अब हम लेंगे गर्म पानी। तो यहाँ पे हमने एक बोल में गर्म पानी कर लिया है। उसमें हम डालेंगे मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक। दोनों को हम अच्छे से घोल लेंगे और इसमें हम अपना सोयाबीन बड़ी डाल देंगे। बड़ी को हम 10 से 12 मिनट तक सोक करके छोड़ देंगे, यानी इसे अच्छे से फूल जाना चाहिए तब तक हम छोड़ेंगे। दस मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं आपको सोयाबीन बड़ी दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा फूल के हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है। तो इसमें हमने गर्म पानी डाला है, तो सबसे पहले इस पानी को निकाल लेंगे। अब हम इसे एक बॉल में ऐसे पानी को निकाल लेंगे, क्योंकि ये पानी गर्म है। और इसमें अब हम डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से धो के और मुट्ठी से ऐसे निचोड़ेंगे। आपसे जितना हो सके इसका पानी निकाल दीजिए। फिर पहले जैसा अपना छोटा छोटा बड़ी दिखने लगा है। अब हम इसे एक दूसरे बॉल में ऐसे रखते जाएंगे। एक्स्ट्रा पानी एकदम दबा के हम निकाल देंगे और ये सूखा सूखा सोयाबीन बड़ी हम दूसरे बॉल में डाल देंगे। हमें सभी सोया चंद बड़ी को, यानी कि सोयाबीन बड़ी को पानी से अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया है। आपसे जितना अच्छा से हो सके बड़ी को पानी से निकालिए। देख रहे हैं एकदम सूखा सूखा दिख रहा है। तो चलिए हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। पकौड़े को हमें चटपटा बनाना है, आप अपने तीखा के अनुसार डालिए। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने से बिल्कुल चिकन वाला टेस्ट आता है। और साथ में हम डालेंगे इसमें 1/2 कटोरी दही। ये हमारी घर की बनी दही है, आपकी गाढ़ी हो तो थोड़ा पानी ऐड करके ही डालिए, क्योंकि अपना सोया चंद में पूरा दही, नमक, मिर्च मसाला ऑब्जर्व होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करके और कवर करके हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, अपना बड़ी जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए अपना सोयाबीन बड़ी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सोया बड़ी ने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, यानी कि सारे दही मसाला अंदर तक चला गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है इसको कवर करने के लिए इसमें हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच मैदा डालेंगे। ये बाइंडिंग का काम करता है, सारे मैरिनेशन को ऊपर से कोट कर लेता है। तो हमने यहाँ पे मैदा डाल के और मिक्स करेंगे। कम पड़ा तो 1 चम्मच हम और डाल सकते हैं।
तो चलिए हम एक चम्मच और डाल ही लेते हैं। आपने देख लिया हमने मैदा डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तेल को हमने गर्म होने के लिए गैस पे रख लिया है। तेल गर्म हो चुकी है, हमें मीडियम फ्लेम रखना है तेल के लिए। तो अब हम इसमें एक एक बड़ी डालेंगे, ऐसे धीरे धीरे हम चम्मच से छोड़ेंगे। यहाँ पे तेल का टेम्परेचर सही होना बहुत जरूरी है। एक बार जितना पकौड़ा आ सकेगा उतना हम डाल देंगे। हमने पकौड़े को चारों तरफ से घुमा घुमा के सेक लिया है। आप इसका कलर देखिए और एक कड़ाड़ेदार भी दिख रहा है। अब हम इसे चम्मच से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी पकौड़े कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक पकौड़े ऐसे छोड़ देंगे। आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी रहेगी उतना जल्दी ये पकौड़ा बनके तैयार हो जाता है। आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो ज्यादा डालिए, छोटी है तो कम कम करिए। बड़ी कढ़ाई रहेगी तो जल्दी से फ्राई हो जाएगी। हमने सभी पकौड़े को ऐसे ही फ्राई कर लिया है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कितनी बढ़िया कढ़ाएदार ये सोयाबीन पकौड़ा बनके तैयार हुई है। और बनाना कितना आसान था वो आपने देख ही लिया। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया सोया चनबरी की पकौड़े बनाना कितना आसान है। इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और बेल प्रेस करना मत भूलिए जिससे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।